नमस्कार। हिंदी भाषा में आज का विषय है नासिक के व्यंजन। नासिका यानी नाक से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। गा या ना ना मा क्रमशः कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग के नासिक के व्यंजन हैं, जो अपने अपने वर्ग के चारों व्यंजनों से पहले नासिका विवर से उच्चरित होते हैं, जैसे पंकज चंचल पंडित वसंत और कदम्ब। इन पांचों नासिक के व्यंजनों में से ना और या अपने वर्ग के व्यंजनों के पहले ही सुनाई देते हैं, जबकि ना ना और मा अन्यत्र भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे रावण माणिक नदी पवन मनुष्य आम आदि। आवृत्ति की दृष्टि से ना का प्रयोग अधिक होता है, अतः ना और या को ना का संस्वन माना जाता है और लेखन में इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा कंघा पंचम या मंजरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना और या स्वल्पांतर युग्म में अर्थ भेदक नहीं होते, जबकि ना ना और मा की अर्थ भेदकता सूचित करने वाले न्यूनतम विरोधी युग्मों के उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे काण कान कान बान काम बाम आदि। आजकल लेखन में पांचों नासिक के व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है, जैसे सींक पंजा घंटी संत या कंबल। अनुस्वार के अलावा चंद्रबिंदु भी अपनी अर्थभेदकता के कारण अस्तित्व में है, जैसे बाधा बांधा या हंस हंस आदि। शेष फिर कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।